बस कल ही की बात है किसी ने मेरी प्यारी टियागो को वैंडलाइज किया। बोनेट पे अपना नाम लिखा और फेंडर्स पे भी स्क्रैचेस थे। भारत में व्हीकल वैंडलिज्म बहुत आम बात है। क्राइम ब्रांच के डेटा के अनुसार सिर्फ 2023 में 250 से भी ज्यादा गाड़ियां वैंडलिज्म का शिकार हुई। वैंडलिज्म या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आईपीसी के धारा 425, 426 और 427 में डिफाइंड है पर रेयरली इन्फोर्स होते हैं। गाड़ी को स्क्रैच करना, टायर पंचर करना, लोगो निकाल देना। दिल्ली में तो एक ऐसा भी केस हुआ था जहां गाड़ी पे पेंट थिनर या ब्रेक फ्लूइड डाल के पेंट ही जला दिया। ऐसी हरकत करने वाले या तो नशे में धुत रहते हैं या तो बस ये उनकी विकृत मानसिकता है। एज अ कार ओनर बुरा तो काफी लगता है, पर थैंकफुली वैंडलिज्म से हुए डैमेजेस मोस्टली इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। वैंडलिज्म से बचने के कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे गाड़ी को सेफली पार्क करना, सुनसान जगह पार्क करना पड़े तो सीसीटीवी के सामने। गाड़ी पे पीपीएफ या सेरेमिक कोटिंग भी हेल्प कर सकता है, पर ऐसे केसेस में मोशन डिटेक्शन वाले डैश कैम बहुत काम आते हैं। क्या आपकी गाड़ी भी कभी वैंडलाइज हुई है? डिटेल्स कमेंट से बताएं। और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू कास्ट 24।